स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने रचना की थी। रचना का दौर चल रहा है। पिछले वीडियो मैंने 4-5 वीडियो आपको रचनाओं पर आधारित बनाए हैं, जिसमें आपको मैंने त्रिभुज और इस पर रेखाओं पर आधारित किया था। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें विशेष रूप से वृत्त एक ही बन रहा है। देखिए आप, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर दो ऐसी स्पर्श रेखाएं बनाना है जो 60 डिग्री से एक दूसरे से झुकी हुई। तो पहले इसका मैं रफ डायग्राम बना के समझा देता हूँ आपको। ये आप वृत्त बनाएंगे, सबसे पहले कितने सेंटीमीटर त्रिज्या लिखे, 5। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का लेंगे। उसके बाद इसमें कॉन्सेप्ट काम करेगा आपका, कि हम जानते हैं कि कोई त्रिज्या रहती है और स्पर्श रेखा रहती है, उनके बीच का कोण हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ मान लिया जाए मैं अभी एक स्पर्श रेखा बनाने वाला हूँ और एक स्पर्श रेखा इसे बनाने वाले, तो इनके बीच का जो कोण रहता है कितने का होता है, 90। यहाँ भी कितने का होता है, 90। अब अगर ये 90 हो जाए, ये 90 हो जाए, तो ये 180 तो ये हो गया, और आप चाहते हैं कि ये 60 का हो जाए, तो ये 240 हो गया, और चतुर्भुज बन रहा है, तो चतुर्भुज के चारों कोण मिलकर के 360 डिग्री होते हैं। मतलब ये जो बचा हुआ कोण है ये वाला, ये कितने का बनेगा, 120। ओके, तो ये हमारा एक प्लानिंग रहेगा। तो सबसे पहला काम तो क्या करना बताइए, वृत्त बनाएंगे। कितनी त्रिज्या लेकर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। ये मैंने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक इधर त्रिज्या ले लेना, ऐसे ऐसे ले सकते हो एक त्रिज्या, मन से ये त्रिज्या ले ली। अब डी, एक डी देना चांदा, तो चांदे की सहायता से आपको यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बनाते हुए एक, ये 120 डिग्री का कोण बनाना है यहाँ। ये चादर आपने देखा, ये इस पॉइंट पर रख करके इसको ऐसा रखना है आपको, चूंकि इसके ऊपर कोण बनाना है, इसको ऐसा रख करके और 120 डिग्री का कोण बनाना है। देखिए आप, पॉइंट से पॉइंट मिला दिया, और ये आपको 120 यहाँ भी दिखता है, कल बताया मैंने 120 इधर भी दिखता है, तो हमेशा लाइन से पढ़ना है 10, 20, 30, 40 से 120, तो लगभग आपको 120 यहाँ आएगा, ठीक है। इसको मिलाते हुए ये सरल रेखा थी, ये कोण कितने का हो गया, 120। ओके, अब आपको बताएं कि अगली स्पर्श रेखा मुझे यहाँ खींचना है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ चांदा रखना ऐसा, ठीक है, वापस से इस पॉइंट पे, और इस लाइन को ढक करके, और 90 तो एक ही जगह होता है केवल, ये देखिए, तो मान लेते हैं पॉइंट 90 का आ रहा है, एक 90 का यहाँ बनाएंगे और दूसरा 90 फिर से यहाँ बनाएंगे, ऐसा रख करके ये 90 का आ गया यहाँ। ओके, इसको आप बढ़ा दीजिए इस प्रकार से, इसको बढ़ा दीजिए, ये कोण कितने बनाया था, अभी 90, ये कितने का था, 90, ये 90 है, ये 90 है, ये 120 बनाया था, और चतुर्भुज के चारों कोण मिलकर के 360 होते हैं, 90 90 180 हो गया, 180 और 120 कितना हो गया, 180 और 120 300 हो गया, तो बचा हुआ कितना है, यानी जो आप चाहते थे कोई पॉइंट दे सकते हो आप पी, तो दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से कितनी झुकी हुई है, 60। ये बहुत सरल रचना है, परंतु टेक्निक की बात ये है कि पहले आपको इतना सोचना पड़ेगा। तो फिर से एक बार छोटा रिवीजन देता हूँ। सबसे पहले क्या किया, एक वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक त्रिज्या बना लेना है और इसके ऊपर हमने 120 डिग्री का कोण बनाया। अब आपके मन में आ रहा होगा 120 क्यों बनाया, तो मैंने आपको इसके पहले प्लान कर दिया था, 120 इसलिए बनाया कि ये 90-90 फिक्स होते हैं, ये 60 आपको लेना ही है, तो जो बचा हुआ कितना हुआ, 120, इसलिए 120 का कोण बनाया था। इसके बाद में आपको यहाँ पर फिर से डी रखना है यहाँ, और कितने का पॉइंट लगाना है, 90 का, ये 90 का लगाया था, ऐसे यहाँ डी रख करके फिर 90 का लगाया था। इसको अगर आप ऐसे बढ़ाओगे, इसको भी बढ़ाओगे इस पर रेखा को, तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को 60 का कोण इसलिए बनाएगी कि ये 90 का था, ये 90 का था, ये कितने का था, 120 का, ठीक है। तो ये दोनों छोटा क्वेश्चन है, उसकी अपेक्षा और सरल है, पर इसमें टेक्निक थी, इसको भी आप कर सकते हैं आराम से, थोड़ा सा इसमें कोण बनाते समय सावधान रहें। ओके, और कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉइंट कैसे रहते हैं, रचना के पद कैसे रहते हैं, जो जो हम करते हैं वो आपको लिखते जाना है। ये सबसे पहला काम क्या किया था, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, उसका केंद्र क्या है, ओ, फिर उसका नाम दे दो, ओ आर, एक त्रिज्या खींची, इसके ऊपर 120 डिग्री का कोण बनाते हुए सरल रेखा ओ एस खींची,
इसके बाद में बिंदु आर पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आरपी रेखा खींची, स्पर्शरेखा खींची। इसी प्रकार बिंदु एस पर स्पर्शरेखा कितने खींची, एसपी। 90 डिग्री का कोण बना तो स्पर्शरेखा एसपी खींची। दोनों स्पर्शरेखा एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, जिनके बीच का कोण स्पष्ट है कि 60 डिग्री। बस अपने शब्दों में इसको लिखना है, ओके। तो इतना कंस्ट्रक्शन में अगर आप कर लेते हैं, 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा।